एक मकान दे विच अग लगन दे नाल 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी मुताबिक किया जा रहा है कि बच्ची जो है वह माचिस जलाउण की कोशिश कर रही थी, तो अचानक ही उसके चंग्याड़ी निकल गई, जिस तो बाद किया जा रहा है कि घर के अचानक अग लग गई। हालांकि मौके दीयां तस्वीरां भी इसनू लैके सामने आईयां ने, दस दिए कि परिवारक मैंबरां का रो रो के बुरा हाल है। जानकारी मुताबिक किया जा रहा है कि एक बच्ची अते उसकी माँ दोवें एक रूम दे विच सन, ते जदों अग लगी तां दोवें बेहोश हो गए। हालांकि अग लगन तो बाद जिवें धुआं देखिया तां लोग मौके दे उत्ते इकट्ठे हो गए, अते जदों रूम दे विच जाके देखिया माँ अते धी दोवें बेहोश सन। हालांकि माँ नूं जदों उठाया गया तां उस नूं होश आ गई सी, पर बच्ची नूं होश नहीं सी आया, जिस तों बाद उसकी गंभीर हालत नूं देखदे होए जदों हस्पताल लैके गए तां डॉक्टरां ने उसनूं मृतक ऐलान दिता। जानकारी मुताबिक किया जा रहा है कि सांह घुटन दे नाल उस बच्ची की मौत हुई है। तो मामला पंचकूला तो सामने आया, जिथे कि एक घर के विच अचानक अग लग गई और 2 साल की बच्ची की दम घुटन के कारण मौत हो गई। और जाकर कमरे की आग बुझाई गई और देखा कि एक 4 बजे तक एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 2 साल बेहोशी हालत में पड़ी थी, जिसको मैं अपने गाड़ी में अपने स्टाफ के साथ सेक्टर 6 हॉस्पिटल लेकर आया, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने उनको प्राथमिक उपचार के बाद मृत घोषित कर दिया, जिसका भी पोस्टमार्टम कराया गया है। तो डॉक्टर साहब ने नेचुरल उसको बताया कि अब जो बच्ची की मौत है वो दम घुटने की वजह से हुई है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो आगाम कार्यवाही है। बच्ची की क्या उम्र है और क्या नाम है? बच्ची का नाम मायरा है और बच्ची की उम्र लगभग 2 साल। तो सर ये क्या नंबर था कोठी का और मतलब कौन सी छत पे ये रहते थे? मकान नंबर 218 है, सेक्टर 10, दृष्टि आई हॉस्पिटल के पास, और ये छत में बने एक रूम में रहते थे। तो सर बताया किस तरह से मौत हुई, कुछ पता लगा अभी तक? कुछ कारण आया हो सामने? नहीं, अभी कोई कारण नहीं है, ये आग अचानक से लगी थी, शायद घर में जो पूजा अर्चना वगैरह हम करते हैं उसके धूपबत्ती वगैरह से घर में जो कपड़े कुपड़े में आग लगी, जो ज़्यादा आग नहीं थी, कम थोड़ी धुएँ वाली आग थी। माँ बेहोश हो गई थी उसी समय? हाँ, माँ उसकी मौके पर बेहोश हो गई थी और बेटी भी बेहोश थी, लेकिन माँ को होश आ चुका था, बेटी को होश नहीं आया उसको लेकर। एक मकान दे विच अग लगन दे नाल 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी मुताबिक किया जा रहा है कि बच्ची जो है वह माचिस जलाउण की कोशिश कर रही थी, तो अचानक ही उसके विचों चंग्याड़ी निकल गई, जिस तो बाद किया जा रहा है कि घर के विच अचानक अग लग गई। हालांकि मौके दीयां तस्वीरां भी इसनू लैके सामने आईयां ने, दस दिए कि परिवारक मैंबरां दा रो रो के बुरा हाल है। जानकारी मुताबिक किया जा रहा है कि एक बच्ची अते उसकी माँ दोवें एक रूम दे विच सन, ते जदों अग लगी तां दोवें बेहोश हो गए। हालांकि अग लगन तो बाद जिवें धुआं देखिया तां लोग मौके दे उत्ते इकट्ठे हो गए, अते जदों रूम दे विच जाके देखिया माँ अते धी दोवें बेहोश सन। हालांकि माँ नूं जदों उठाया गया तां उसनूं होश आ गई सी, पर बच्ची नूं होश नहीं सी आया, जिस तों बाद उसकी गंभीर हालत नूं देखदे होए जदों हस्पताल लैके गए तां डॉक्टरां ने उसनूं मृतक ऐलान दिता। जानकारी मुताबिक किया जा रहा है कि सांह घुटन दे नाल उस बच्ची की मौत हुई है। तो मामला पंचकूला तो सामने आया, जिथे कि एक घर के विच अचानक अग लग गई और 2 साल की बच्ची की दम घुटन के कारण मौत हो गई। और जाकर कमरे की आग बुझाई गई और देखा कि एक 4 बजे तक एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 2 साल बेहोशी हालत में पड़ी थी, जिसको मैं अपने गाड़ी में अपने स्टाफ के साथ सेक्टर 6 हॉस्पिटल लेकर आया, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने उनको प्राथमिक उपचार के बाद मृत घोषित कर दिया, जिसका भी पोस्टमार्टम कराया गया है। तो डॉक्टर साहब ने नेचुरल उसको बताया कि अब जो बच्ची की मौत है वो दम घुटने की वजह से हुई है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो आगामी कार्यवाही है। बच्ची की क्या उम्र है और क्या नाम है? बच्ची का नाम मायरा है और बच्ची की उम्र लगभग 2 साल। तो सर ये क्या नंबर था कोठी का और मतलब कौन सी छत पे ये रहते थे? ये मकान नंबर 218 है, सेक्टर 10, दृष्टि आई हॉस्पिटल के पास, और ये छत में बने एक रूम में रहते थे। तो सर बताया किस तरह से मौत हुई, कुछ पता लगा अभी तक? कुछ कारण आया हो सामने? नहीं, अभी कोई कारण नहीं है, ये आग अचानक से लगी थी, शायद घर में जो पूजा अर्चना वगैरह हम करते हैं उसके धूपबत्ती वगैरह से घर में जो कपड़े कुपड़े में आग लगी, जो ज़्यादा आग नहीं थी, कम थोड़ी धुएँ वाली आग थी।
माँ बेहोश हो गई थी उसी समय? माँ उसकी मौके पर बेहोश हो गई थी और बेटी भी बेहोश थी, लेकिन माँ को होश आ चुका था, बेटी को होश नहीं आया उसको लेकर।